बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं ज़ुल्फ़िकार शवाहला, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। आइए शामिल करते हैं आज की अहम खबर। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि असम्बलियों ने 12 अगस्त को मुद्दत मुकम्मल की तो 11 अक्टूबर तक इलेक्शन करा देंगे, और अगर असम्बलियाँ पहले तहलील हुई तो 90 रोज़ में इंतखाबात होंगे। ये बात इलेक्शन कमीशन काम ने आइंदा आम इंतखाबात से मुतल्लिक सहाफ़ियों को ब्रीफिंग में बताई। ब्रीफिंग सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, स्पेशल सेक्रेटरी और पॉलिटिकल फाइनेंस विंग हकाम ने दी। इलेक्शन कमीशन हकाम ने वादा किया कि आइंदा आम इंतखाबात में सियासी जमातों और उम्मीदवारों की सख्त मॉनिटरिंग का फैसला किया गया है। जो उम्मीदवार सियासी जमाती इंतहाबी अखराजात की हद से ज़्यादा खर्च करेगा, इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सियासी जमातों और उम्मीदवारों की मीटिंग के लिए पॉलिटिकल फाइनेंस MIS बना लिया है। काम ने बताया कि पॉलिटिकल फाइनेंस MIS 6 अदारों से मालूमात हासिल करेगा, जिनमें FPR, स्टेट बैंक, नादरा, SECP और वादीगर शामिल है। सियासी जमातों उम्मीदवारों की सख्त स्क्रूटनी के बाद निशाना दिए जाएंगे। इंतहाबी अखराज हद से ज़्यादा हुए तो आइन के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान ने बताया कि इलेक्शन कमीशन 90 या 60 रोज़ में इंतहाबात के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन पुरानी हल्काबंदियों पर इंतहाबात की तैयारी कर चुका है। नई मर्दमशुमारी का नोटिफिकेशन हुआ तो कानून और आइन के मुताबिक फैसला करेंगे। मर्दमशुमारी के नोटिफिकेशन से पहले नई मर्दमशुमारी पर इंतहाबात का सवाल नहीं उठता। स्पेशल सेक्रेटरी जफर इकबाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन मर्दमशुमारी 2017 के तक 2022 में हल्काबंदियाँ कर चुका है। असम्बली ने 12 अगस्त को मुद्दत मुकम्मल की तो 11 अक्टूबर तक इलेक्शन करा देंगे, और अगर असम्बली पहले तहलील हुई तो 90 रोज़ में इंतहाबात होंगे।